हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी। आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी मैथ क्लास से चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। 1 में क्या है? अमिता थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। मतलब अमिता एक लड़की है जिसने एक नंबर दोस्तों सोचा और उसमें से 5/2 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। अब जो रिजल्ट आया उसमें उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर। शी थॉट ऑफ व्हाट इज द नंबर। मतलब दोस्तों क्या हुआ कि अब ये सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट जो है वो उस नंबर, यानी जो उसने सोचा था उस नंबर के 3 टाइम्स आया। मतलब उसका दोस्तों 3 गुना ज्यादा आया। ठीक है, तो हमें बताना है व्हाट इज द नंबर, मतलब वो नंबर क्या है। तो चलिए दोस्तों लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। ओके, नंबर हमारा एक्स हो गया। अब आगे दोस्तों एक्स में से क्या सब्ट्रैक्ट किया गया, 5/2, क्योंकि वो नंबर जो उसने सोचा था उसने एक्स लेफ्ट कर लिया। सो उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर जो रिजल्ट आया उसमें 3 का मल्टीप्लाई हो गया। फिर जो दोस्तों हमें आंसर मिला वो उस सेम नंबर का 3 टाइम्स था। सो दोस्तों मल्टीप्लाई 8 से किया गया दोस्तों। सो 3 टाइम्स है तो 3x हो गया, क्योंकि वो नंबर x है उसका 3 टाइम, मतलब 3 × 2x यानी कि 3x। अब आगे इस इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, 8 का मल्टीप्लाई x में भी होगा, 8 का मल्टीप्लाई 5/2 में भी होगा। सो 8 का x में करेंगे सो 8x माइनस, जब दोस्तों इस 8 का मल्टीप्लाई 5/2 में करेंगे सो ये कट जाएगा, इधर आ गया 1 और ये कट जाएगा इधर आ गया 4। 4×5=20, मतलब क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा, यानी इक्वल्स टू 3x। अब 20 को उस साइड भेजेंगे, नहीं दोस्तों 3x को इधर ले आएंगे क्योंकि वेरिएबल को एक साइड करना है और 20 को उधर ले जाएंगे। सो 5x आ गया इक्वल्स टू 20। अब x इज इक्वल्स टू 20/5 = 1, 4। सो x की वैल्यू आई 4, यानी कि वो नंबर है दोस्तों 4, यानी कि जो नंबर हमसे पूछा है कि उसने कौन सा नंबर सोचा वो उसने 4 सोचा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।